मैं डॉक्टर शालिन दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, अपोलो हॉस्पिटल, नवी मुंबई से आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सब एक और कॉमन समस्या के बारे में डिस्कस करने आए हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन छोटी छोटी बातों का पूरा फायदा उठाएं, जिससे पहली चीज आप उन प्रॉब्लम से, उन समस्याओं से बच सके, दूसरी चीज वो कॉम्प्लिकेट ना हो, इसके उपाय कर सके, और तीसरी चीज जब भी वो तकलीफें हो तो क्या सही इलाज है उसके बारे में एक सही राय बना सके। तो दोस्तों, पहली बात आज हम डिस्कस करते हैं फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और लोगों को इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से डाउट्स हैं। क्या होता है फिस्टुला, क्यों इसको फिस्टुला बोलते हैं, क्या सिम्टम्स हैं फिस्टुला के, चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। फिस्टुला मतलब होता है एक टनल जो दो जगहों से ओपन है और बीच का रास्ता है। नॉर्मल सेंस में ये वो तकलीफ है जो हमारे मोशन के रास्ते से, जिसको हम एनल कैनाल बोलते हैं, वहां से शुरू होती है। एक इन्फेक्शन का फोकस डेवलप होता है, जैसे पस बनता है और वो पस अपना रास्ता धीरे 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 करके बाहर की तरफ ढूंढ लेता है और स्किन के पास आके कहीं ओपन होता है। और आपको जो समस्या होती है उसके कारण वो ये होती है कि इनिशियली आपको पेन होता है, दर्द होता है, थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, एक नोड्यूल जैसा दिखता है और उसके बाद से उधर से पस आना शुरू होता है। अमूमन ये देखा गया है कि जब पस आता है तो उसके बाद से पेन कम हो जाता है, बिकॉज वो ड्रेन हो जाता है, लेकिन बस थोड़ा 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 बना रहता है। अब सबके मन में ये शंका रहती है कि डॉक्टर, ये फिस्टुला मुझे क्यों होता है, क्यों होना है, फिस्टुला का मेन कारण क्या है। कॉमनली फिस्टुला अगेन हमारे खान पान का, हमारे हाइजीन का ही एक रिफ्लेक्शन है। जैसे कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, हमारे बाउल हैबिट्स ठीक नहीं है, खाने में बहुत तीखा, तला भुना, नॉनवेज फूड की क्वांटिटी ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, तो उधर इन्फ्लामेशन होता है, थोड़ा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है और पस बनने का चांस रहता है। अगर आप लाइफ को एक थोड़ा बैलेंस करके रख सके, अगर थोड़ा पानी का इंटेक अच्छा हो, बीच में खाने में थोड़ी कमी हो, थोड़ा वेज फूड का क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो शायद अधिकतर इस तकलीफ से बचा जा सके। तो चलो, फिस्टुला हो गया, अभी फिस्टुला की प्रॉब्लम है, अब आगे क्या करें। पहली चीज, अपना खाना पीना इमीडिएटली इम्प्रूव कर दे, वेजिटेरियन फूड जैसा मैंने बोला ज्यादा ले, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें और उस एरिया को जितना हो सके नॉर्मल क्लीन रखने की कोशिश करें। कुछ लोग क्लीन रखने के चक्कर में उधर डिफरेंट टाइप के लेप्स लगाते हैं, कुछ लोग उधर पोटेशियम परमैंगनेट बहुत यूज करते हैं, जो एक्चुअली स्किन को और उस एरिया को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर एक चीज आप यहां से सीखेंगे तो वो ये है कि कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। हम अपने शरीर को कैसे साफ करते हैं, हल्के गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से और कोई भी साबुन से, सेम आपको उन चीजों के लिए भी करना है, उस एरिया के लिए भी करना है। एक नॉर्मल रेगुलर क्लीनिंग जरूरी है। कुछ लोग बहुत स्वेट करते हैं, थोड़ा ओबेसिटी है, मोटापा ज्यादा होता है, स्वेटिंग ज्यादा होती है, दे नीड मोर फ्रिक्वेंट क्लीनिंग, दे नीड मोर वाटर इनटेक, दे नीड टू कीप दैट एरिया मोर ड्राई और क्लीन रखना है रादर देन अदर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं जो आप करके चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं। अब फिस्टुला का इलाज क्या है, बहुत ही क्लियर कम शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको, तो साइंस की, टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट से, उसकी तरक्की से हम फिस्टुला के ट्रीटमेंट को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं। गए वो दिन जब पूरा का पूरा एरिया कट करके और खुला छोड़ देते थे और वो घाव को सूखने को महीनों लगते थे और वो पेनफुल प्रोसेस होता था, जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें आपका योगदान क्या है, आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपने स्पेशलिस्ट के पास जल्दी पहुंचे, समय पर पहुंचे, जब फिस्टुला कॉम्प्लेक्स नहीं है, जब उसने कई सर नहीं बना लिए हैं, वो चारों तरफ नहीं फैल गया है, एक सिंपल फिस्टुला है। सक्सेस रेट अच्छा रहता है
लेजर से करके आप बिना किसी कट और उसके आराम से घर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका फिशुला सालों से है, आपने इग्नोर किया है या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली कि हाँ बस लेजर कर दिया और ठीक हो जाएगा दो दिन में। सालों की समस्या है, टाइम लगेगा। सो इफ यू वॉन्ट एन अर्ली क्योर, आपको चाहिए कि आपकी तकलीफ जल्दी ठीक हो, तो सही डॉक्टर से सलाह लें। अगेन इसमें ये सही डॉक्टर या स्पेशलिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कॉमन समस्या के कॉमन ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है। सब लोग सो कॉल्ड उसके स्पेशलिस्ट है और आजकल तो सब तरफ सर्जिकल शॉप्स हैं। तो आप अगर प्रॉब्लम के साथ एक सही सलाह नहीं लेते हैं या एक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हैं, तो तकलीफ खत्म नहीं होती है और हमारे मन में ये भ्रांति बन जाती है, डॉक्टर फिशुला का ट्रीटमेंट करके कोई फायदा तो है नहीं, वो बार बार वापस आता है। ये गलत है। अगर सही समय पे सही इलाज हो तो ज्यादातर फिशुलास का कोई रिकरेंस नहीं होता है। हाँ, अगर आप बहुत लेट या कॉम्प्लिकेट करके डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, या फिर यू डॉक्टर इज नॉट एन स्पेशलिस्ट ऑफ दैट, या फिर आपने बाद में लाइफस्टाइल खाने पीने का ध्यान अच्छे से नहीं रखा है, ये तीन चीजें अगर आपकी सही नहीं है तो ऑफकोर्स अगर सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। सो फिशुला, फिर से हम रिपीट करते हैं, एक कॉमन समस्या है। इसका मतलब होता है कि एक ओपनिंग दो जगह पे है जो मोस्टली मोशन के रास्ते से आती है और स्किन पे खुलती है। इसका हमारे खाने पीने, हाइजीन, लाइफस्टाइल से बहुत संबंध है। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर सही समय पे आप सही स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना नॉर्मल लेजर ट्रीटमेंट करा करके आराम से रिकवर कर सकते हैं और आपके रिकरेंस रेट लगभग नहीं के बराबर हो सकते हैं। अगर आप कॉम्प्लिकेट करते हैं या स्पेशलिस्ट आपके सही नहीं है, तो बीमारी रिकर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। उम्मीद है ये हमारी बातचीत आपके लिए काम आई, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें नंबर्स और ईमेल आईडी दिए हुए हैं। तब तक के लिए नमस्कार।